सॉरी दी, मैं तो उसको ऐसे ही ले गई थी अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए। और कार्तिक, कार्तिक क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो ना, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ इसे? किसका स्टूपिड आइडिया था ये? ये वो उस पार्टी का पब वाला पहचानता है हमें, वो आया था उसका ये बताने के लिए शराब पीकर इसने क्या तमाशा और नुकसान किया है वहां। ये सब उस नायरा की वजह से हुआ है। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? कुछ हुआ क्या? बहन की हल्दी में हैंगओवर के साथ आए हो, इससे ज्यादा भी कुछ होना बाकी है क्या? नहीं पापा, मैं उसकी कोई गलती नहीं मनीष जी, उसका यह हाल किसी और की वजह से, और आई थिंक ये सब बात हम जानते हैं। सच में मनीष जी, मुझे पता चला कि कल रात को नायरा भी वहां पे थी, उसने कुछ कहा होगा। इसने पहली बार नहीं पी है मनीष जी, आप ऐसे कैसे? क्योंकि जो पहली बार पीता है वो भी इतनी सारी के तमाशा करे, तोड़ फोड़ करे, वो अगली सुबह इतना नॉर्मली नहीं खड़े हो पाता जितना ये जनाब खड़े हैं। सही कह रहा हूं ना कार्तिक? नहीं मनीष जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तुम्हारी आंखों पर अपने बेटे के प्यार की पट्टी बंधी है, इसलिए तुम देख नहीं पा रही हो, लेकिन मैं देख सकता हूं। पीता नहीं हूं लेकिन पीने वालों के साथ उठता बैठता जरूर हूं। दुख इस बात का नहीं है कि तुमने पी या पीकर तमाशा किया, दुख इस बात का है कि तुम इसकी लत लग चुकी है। अक्सर पीते हो तुम और अक्सर ही तमाशा भी करते होंगे। नहीं नहीं मनीष जी, ये सच नहीं है, गलतफहमी है आपको। तुम्हारी आंखों पर अगर पट्टी बंधी है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे दिखाई देता है बाप हो इसका, हर हरकत पहचानता हूं। कभी कहा नहीं ये सोच करके आंखों की शर्म बिना कहे बनी रहती है, लेकिन अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो कह भी सकता हूं। ये लो देख लो सोना, इसकी नजर ही गवाही दे रही है उस बात की जो मैं कह रहा हूं। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है मनीष जी, जिसके साथ इतनी नाइंसाफी हुई हो, बार बार जिसे दुख मिला हो, वो भी किसी अपने की वजह से। और अगर वो गलत राह पे भटक रहा है तो हमारा काम है हम उसे सही राह दिखाए, ना कि उसपे इस तरह इल्जाम लगाए। इतनी भी तरफदारी मत करो उसकी के सही और गलत का फर्क ही भूल जाओ। तुम्हारा सबूत दूध का ढोला नहीं है, और ना ही ये पीने की आदत इसे नायरा ने लगाई है, जो इसका इल्जाम उसके सर डालकर इसे बाइज्जत बरी करने की कोशिश कर रही हो। वजह भी तो वही है ना मनीष जी, इस बेचारे का तो दिल टूटा है। और उसका दिल नहीं टूटा, इसी के दिल में जख्म हुए हैं, उसने भी तो प्यार किया था इससे। क्या वो भी शराब पीने लगी है? वो भी पी पी के तमाशे करती है सड़कों पर? पता है ना ये जहर है। प्रॉमिस करो कार्तिक, पढ़ा भी तो नाटक किया था, पर अगर प्रॉमिस नहीं किया ना तो सच में पीना शुरू कर दूंगी। उसने तो मुझे भी मना किया था पीने के लिए, मैं छोड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि पी के सही और गलत परेशान नहीं करती, इसलिए। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा तरीका सजेस्ट किया इसने हमें। कल से हम भी दो दो पैक लगाना शुरू कर देते हैं, सब भूल जाएंगे हम भी, हमें भी कोई तकलीफ नहीं रहेगी, क्योंकि वरना हमारा दुख तो इससे भी बड़ा है ना। जिसका एक बेटा चला गया और दूसरा ऐसी हरकतें करता हो, उनके पास तो जीने का और कोई तरीका बचा ही नहीं होना चाहिए ना। हम भी शराब पीना शुरू करते हैं, हम भी तमाशे करेंगे और एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे। पापा, क्या पापा, क्या करेंगे हम जीकर, क्या करेंगे? तुम्हें इस बात का एहसास है कि शुभम नशे की वजह से हमसे दूर चला गया, तुम भी इसके रास्ते पटल पड़े। तुम्हें कभी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ है कार्तिक? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हें अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा?
इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो तुम कार्तिक? अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना रिश्ता तुम्हारे लिए सब कुछ है, और हमारा कंसर्न, हमारा प्यार, हमारा दुख कुछ नहीं। और कुछ नहीं तो कम से कम अपने बाप की उम्र का ही लिहाज कर लिया होता। कब तक लड़ता रहूंगा इस सबसे? कब तक जिम्मेदारी उठाता रहूंगा तुम्हारी? इतने सहते तुम जब सौम्या हमें छोड़कर चली गई, उस दिन से लेकर आज तक इतने से दिन नहीं देखे होंगे खुशी के मैंने। तुम नाराज हो गए थे मुझसे और मैं घुटता रहा, लेकिन जीता रहा इस उम्मीद में कि एक दिन मेरा बेटा मुझे समझेगा जरूर। मैं भी तो शराब का सहारा ले सकता था ना, जब वो हमें छोड़कर चली गई थी, जब तुम्हारी आंखों में नफरत देखी थी मैंने, मैं भी खुद को शराब में डुबो सकता था ना। जब तुम अपने लिए खुद छोटे से हॉस्टल का फॉर्म ले आए थे, जब तुमने अपने लिए एक अलग फ्लैट ले लिया था, मैं भी खुद को शराब में डुबो सकता था ना, मगर नहीं किया मैंने ऐसा। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे ये लगा कि जिस दिन भगवान को मेरी मेरी तकदीर पर तरस आए, जिस दिन मेरी तकदीर खुले, उस दिन वो नजारा देखने के लिए मेरी आंखें खुली हो। शराब के नशे में दुत ना हो, जिस दिन मेरा बेटा मुझे फिर से पापा कहकर गले लगाए, मुझे देखकर मुस्कुराए, मेरे पैर लड़खड़ाए ना, पता नहीं क्यों तुम ऐसा नहीं सोच पाए, क्यों बर्बाद करने पर तुले हो आपको, क्यों हार मान ली तुमने जिंदगी में? ऐसे प्यार ने कमजोर कर दिया वरना नहीं सुनना, नहीं, प्यार कमजोर नहीं करता, प्यार तो ताकत होता है, हिम्मत देता है प्यार। जहां नफरत होती है वहां खोखलापन होता है। जब नायरा से शादी करनी थी तो कैसे हमसे लड़ने को तैयार हो गया था? क्यों? क्योंकि तब प्यार था और इसीलिए हिम्मत थी। तुमने कभी अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा है कार्तिक? रिश्ता निभाना क्या होता है जानते हो तुम? पूछो मां से कैसे एक एक पाई जोड़ी है बिजनेस में और हर रिश्ते को बांधे रखा है। अखिल इतना सा था जब बाबूजी हमें छोड़कर चले गए थे, मगर हर रिश्ते को संभाला और वो किया जो सबके हक में था। मगर तुमने सुनी है कभी किसी की? नहीं। कैसे सुनोगे? न तब सुनी जब रिश्ता जोड़ना था, ना आप सुन रहे हो जब रिश्ता तोड़ना है। हमसे अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए तुम्हें अपने लिए। तुम जो करो वो सही, लेकिन बदले में हम तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। ये भी नहीं कि तुम अपना ख्याल रखोगे, ये भी नहीं कि खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, ये भी नहीं कि खुद को बर्बाद नहीं करोगे। बस हमें सिर्फ इतना हक है कि हम चुपचाप खड़े होकर तुम्हारी बर्बादी का तमाचा देखें, चुप, कुछ ना कहे। तुमने कभी सोचा है कि जब मां बाप औलाद की तकलीफ देखते हैं तो उन पर क्या बीतती होगी? अपने दुख में उतना दर्द नहीं होता कार्तिक जितना औलाद को परेशान देखकर होता है। शुभम चला गया, शायद उसे एक बार बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन हम तो हर रोज मरते हैं, बार बार तकलीफ होती है। अगर कभी आंखों के सामने उसका चेहरा आ जाता है तो खुद को संभाल नहीं पाता। दुनिया में किसी बाप के कंधों में इतनी ताकत नहीं है कि अपने अपने बेटे की अर्थी को एक बार कर चुका हूं, दूसरी बार नहीं कर पाऊंगा। इतनी हिम्मत नहीं है मुझे कि मैं दूसरी बार फिर से सॉरी पापा। मत कहो पापा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा झूठा कंसर्न। माफी मत करो मुझसे, आदत डाल लेना तो मुझे, क्योंकि जब तुम भी नहीं रहोगे ना तो यही बातें तुम्हारी याद आएंगी। मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं, इसलिए खत्म हो जाने दो, आदत डाल लेना मुझे, जेल लेके पापा मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर दोगे तुम? कुछ ठीक नहीं होगा तुमसे। किसी और के लिए क्या करो तो पहले अपनी लाइफ तो सॉर्ट आउट करो, और अगर तुमसे हैंडल नहीं होता तो मुझसे कहो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोर्ट से कि तुम्हारा जितना जल्दी हो सके डिवोर्स करा दे।
ताकि तुम भी खुशी से जी सको और हम भी खुशी से जी सके या मर सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम दोनों को अलग हो ही जाना चाहिए। सॉरी नैतिक जी, कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने मुंह से ये बात कहूंगा, लेकिन ना चाहते हुए भी आज कहना पड़ गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।